यूं तो अमरूद हर किसी को बेहद पसंद होते हैं, लेकिन अगर बात की जाए इलाहाबादी अमरूद की तो इस अमरूद के आगे कई जगह के अमरूद फीके पड़ जाते हैं। खैर, खास बात यह है कि 2 साल के बाद इलाहाबादी अमरूद की मिठास फिर से लौट आई है। आखिर क्या खास है इलाहाबादी अमरूद में, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मिठास भी बहुत अच्छी है और खूबसूरत है और फल में कोई अच्छी साइनिंग है, खूब पसंद कर रहे हैं। इतना स्वादिष्ट अमरूद है, इतना स्वादिष्ट है, कल्पना नहीं कर सकते। इस बार अमरूद बहुत अच्छे हैं और मिठास बहुत ज्यादा है। 2 साल बाद एक बार फिर से इलाहाबादी अमरूदों में गुणवत्ता दिखाई देने लगी है। इस बार समय से पहले इलाहाबादी अमरूद बाजारों में आ चुके हैं, जो कि बेहद मीठे और पूरे तरीके से गुणवत्ता पूर्ण है। आपको बता दें कि बीते 2 सालों में इलाहाबादी अमरूदों की गुणवत्ता बेहद कम थी, जिसकी वजह से ये माना जा रहा था कि आने वाले समय में इलाहाबादी अमरूद का अस्तित्व ही खतरे में ना पड़ जाए। ऐसे में कृषि विभाग के अधिकारियों और किसानों ने अमरूदों की पैदावार और गुणवत्ता को लेकर काफी प्रयोग करे, जिसका परिणाम यह निकला कि इस साल इलाहाबादी अमरूद बेहद मीठे हैं और बाजारों में सस्ते दामों में भी बिक रहे हैं। इलाहाबादी अमरूद मुख्यतः 2 तरह के होते हैं, एक अमरूद जो कि अंदर से लाल होता है और दूसरा जो कि बाहर से लाल होता है। बाहर से लाल वाले अमरूदों को सेबी अमरूद कहते हैं, जो कि सेब की तरह लाल होता है और खाने में भी सेब से ज्यादा मीठा होता है। वहीं अंदर से लाल वाले अमरूद बाहर से हल्के रंग के होते हैं और अंदर से सुर्ख लाल। हालांकि दोनों की डिमांड अब बढ़ चुकी है। स्थानीय लोगों के साथ साथ अन्य प्रदेशों से भी आए लोग प्रयागराज पहुंचकर इलाहाबादी अमरूद को खरीद रहे हैं। दुकानदारों की माने तो उनका कहना है कि इस साल बरसात की फसल को नष्ट किया गया था, जिसकी वजह से सर्दी की फसल में इजाफा हुआ है। साथ ही पेड़ों में कीटनाशक डिवाइस भी लगाई गई थी, जिसकी वजह से अमरूदों में कीड़े भी नहीं लगे। इस वजह से अमरूद रसगुल्ले की तरह मीठा हो गया। इसके साथ ही इस बार का तापमान भी अमरूदों के अनुरूप अच्छा था, जिससे अमरूदों की खेती में इजाफा हुआ। दुकानदार नितिन बताते हैं कि 2 साल के बाद इस साल बिक्री में काफी इजाफा हुआ है। साथ ही साथ फसल अधिक होने की वजह से अमरूद के दाम भी कम है। जो अमरूद पिछले साल 100 रुपए किलो बिकता था, वही अमरूद इस साल 50 से 60 रुपए में बिक रहा है। हाल ही में जो बरसात हुए थे अगले साल में, तो इसकी वजह से फल ज़्यादा आ गए थे। तो बरसात में जो फल होते हैं उसके चक्कर में सब फल खराब हो गया, तो आ नहीं पाया, और फिर पॉल्यूशन भी थोड़ा सा था उसके चक्कर में। बाकी अब की बार तो समझ लीजिए 1 तारीख से आ गया है, नहीं तो 15 तारीख तक में आता था। और बहुत ही मीठा और बहुत ही अच्छा फल इतने समय आ रहा, बिक्री भी खूब अच्छी हो रही है। अच्छा, और मालिक की मेहरबानी है, सब खत्म हो गया है, अब हम लोग बैठे हुए हैं थोड़ा सा इसे ही। अच्छा, मिठास भी पहले से ज़्यादा है। मिठास भी बहुत अच्छी है और खूबसूरत है और फल में खूब अच्छी साइनिंग है, खूब पसंद कर रहे हैं, खूब कस्टमर आ रहे हैं। जिनको 2 किलो चाहिए वो 5 किलो ले जा रहे हैं, जिनको 5 किलो चाहिए वो 10 किलो लेके जा रहे हैं। अच्छा, आगे और ठंड होगी तो और मीठे और हो जाएंगे? जितनी ठंड पड़ेगी उतने बेस्ट फल होंगे और लाल होंगे और सेब के तरीके देखेंगे खाने में मीठे खूब रहेंगे। उधर अमरूदों की खरीदारी करने आए लोगों की माने तो उनका कहना है कि इस बार अमरूद वक्त से पहले आ गए हैं और अमरूदों की गुणवत्ता भी बेहद शानदार है। गाजीपुर से आए रविंद्रनाथ प्रधान का कहना है कि जब वो प्रयागराज आते हैं तब वो इलाहाबादी अमरूद जरूर खाते हैं और इसे खरीद कर भी ले जाते हैं। उन्होंने बताया कि भारत के कई जिलों का भ्रमण कर चुके हैं, लेकिन जो स्वाद इलाहाबादी अमरूद का है वो स्वाद कहीं के अमरूद में नहीं मिला। अमरूद रसगुल्ले की तरह मीठे होते हैं। उधर स्थानीय लोगों का मानना है कि इलाहाबादी अमरूद पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और अब की बार गुणवत्ता और कम दामों में मिलने की वजह से वह जमकर अमरूदों की खरीददारी कर रहे हैं। पिछले 2-3 सालों की अपेक्षा देखें तो इस बार अमरूद बहुत अच्छे हैं और मिठास बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी 2 सालों से मतलब ऐसा लग रहा था कि जो इलाहाबादी अमरूद हैं
इनकी इनके स्वाद में थोड़ी कमी आई है और मिठास में बहुत कमी आई है, ये हो सकता है मतलब कि कुछ कुदरत की मार कह सकते हैं कि पहले बारिश और ठंडी कम ज़्यादा होती रहती थी, बट अगर देखा जाए 2 सालों की अपेक्षा में इस बार बहुत अच्छे अमरूद हैं यहाँ पे इलाहाबादी, मतलब अभी हमारे सर ने बताया कि ऐतिहासिक अमरूद हैं ये, तो कह सकते हैं कि अब वर्ल्ड फेमस अमरूद हमारे इलाहाबाद में ही मिलते हैं जी। यहाँ का जब अमरूद खाया और खुसरोबाग का नाम सुना तो फिर दिल खुश हो गया, अब बहुत ही मीठा और अच्छा अमरूद। और मैं अभी 82 के बाद इलाहाबाद से बाहर गया, दिल्ली में सर्विस करता रहा, तदुपरांत जब यहाँ आज मैं आया हूँ इलाहाबाद में, तो उस दिनों का खाया हुआ अमरूद का स्वाद का जो अनुभव था उसको शेयर करने का प्रयास किया और आज अमरूद दिखाई दिया तो मैं तुरंत उतर गया। अब हम इलाहाबाद में आए तो गुलाब जामुन रसगुल्ला खाने की वजह हम अमरूद खा रहे हैं, इतना स्वादिष्ट अमरूद है, इतना स्वादिष्ट है कल्पना नहीं कर सकते। बीते 2 सालों के बाद एक बार फिर से इलाहाबादी अमरूद की जो गुणवत्ता है वो वापस लौटी है। अगर हम बात करें तो बीते 2 सालों में गुणवत्ता बेहद कम थी, जिसकी वजह से इलाहाबादी अमरूद जो है वो अपने अस्तित्व को जो है वो खोता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन हम मौजूद हैं प्रयागराज के शिवलाइन क्षेत्र में, यहाँ पर अमरूदों की मंडी लगती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गुलाबी ठंड ने दस्तक दी है और अभी ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भारी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, इलाहाबादी अमरूद का मजा ले रहे हैं, खाते हुए भी नजर आ रहे हैं। और काफ़ी लोग तो ऐसे भी हैं जो प्रयागराज के नहीं हैं, लेकिन वो अगर प्रयागराज आते हैं तो वो अमरूदों को खरीदना या फिर उनको खाना नहीं भूलते हैं। बीते अगर हम 2 साल की बात करें तो मौसम की मार के चलते खेती काफ़ी कम हुई थी, जिसकी वजह से 2 साल तक ये जो अमरूद हैं वो बेहद फीके थे और सभी लोगों को ये डर सता रहा था कि कहीं इनका जो अस्तित्व है वो ख़त्म ना हो जाए। लेकिन अब की बार की बात करें तो अब की बार अधिकारी हों या फिर किसान हों, उन्होंने बरसात की जो फसल है उसको नष्ट किया था, तरह तरह के उपाय किए थे, जिसकी वजह से एक बार फिर से जो रौनक है बाजारों में वो लौटी है। और अगर हम बात करें जो गुणवत्ता है वो वापस आई है, जो फीकापना था पिछले 2 सालों से अब वो नहीं है। वक्त से पहले ही इलाहाबादी जो अमरूद हैं वो यहाँ पर आ गए हैं और लोग जम करके ख़रीदारी कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संगत उपाध्याय के साथ सैयद आखिर रजा, प्रयागराज।